सबसे पहले एमएस वर्ड को खोलना सीख लेते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड खुलेगा कैसे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है यहाँ स्टार्ट मेनू पे। प्रोजेक्टर में सबको क्लियर दिख रहा है? पीछे ठीक है, इसमें क्लिक करूंगा, जाऊंगा यहाँ पे ऑल प्रोग्राम, इस पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे आऊंगा, स्क्रॉल कर लूंगा अगर दिखाई नहीं देता है तो, लेकिन दिखाई देता है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर होगा, उस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। और फिर मेरे को क्या चाहिए, एमएस वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे को चाहिए। तो ये देखिए वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, और आइकन भी ऐसा होता है, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड खुल जाएगा। एक्सेल खोलना है तो यहीं से खुलेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के रिलेटेड सारे चीजें इस फोल्डर में मिल जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दूंगा, खुल जाएगा, ठीक। बंद कर देता हूं मैं, लेकिन फिर से यहां पे आते हैं, यहां पे आते हैं, ठीक है, यहां पे आते हैं, ठीक है, और यहां पे आता हूं, ठीक। अब यहां पे आने के बाद इस पर करूंगा मैं राइट क्लिक, राइट क्लिक किया, ये ऑप्शन आ चुका। अब ये सेंड टू ऑप्शन है, इस पे आऊंगा, माउस लाऊंगा और फिर यहाँ पे आऊंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे, ठीक है, क्रिएट शॉर्टकट, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, डेस्कटॉप में शॉर्टकट बन गया। अब मुझे यहाँ पे ऑल प्रोग्राम में जाने का जरूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा करने का, इस पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से खुल जाएगा ये, ठीक है। या फिर दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि मैं दबाऊंगा विंडोज प्लस आर, ठीक है, विंडोज आर दबाऊंगा तो ये रन बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। अब रन बॉक्स खुलने के बाद क्या करूंगा, इसमें लिखूंगा विन वर्ड, ठीक है, विन वर्ड लिखूंगा और कर दूंगा इंटर, फिर भी एमएस ऑफिस माने एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस वर्ड नाम का एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप जब एग्जाम देंगे ऑनलाइन, ठीक है, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि एमएस वर्ड को ओपन किया जाता है किस सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि एमएस वर्ड को ओपन किया जाता है winword.exe, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर के द्वारा एमएस वर्ड को ओपन किया जाता है, एक नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि यहां पे राइट क्लिक करिए, ठीक है, कहां पे, यहां पे, ठीक है, राइट क्लिक किया, यहां पे कर दिया पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, ठीक, क्लिक करूंगा, अब इसको मैं बंद कर दूंगा, ठीक है, बंद कर दिया तो यहां पे ये दिख रहा है ना, अब इस पे आप क्लिक कर दोगे तो खुल जाएगा। माउस से नहीं क्लिक करना चाहते तो क्या करो, गिनती करो, क्या, एक दो तीन चार पाँच छ, एमएस वर्ड छठवां नंबर पे है, ठीक है, तो क्या करो, विंडोज बटन जान रहे हो ना, विंडोज और फिर सिक्स दबा दो, ये खुल जाएगा अपने आप, ठीक। अगर मुझे इसको खोलना होगा तो एक दो तीन चार, विंडोज फोर, विंडोज के साथ चौथा बटन दबा दूंगा तो खुल जाएगा, ठीक। तो ये भी एक तरीका है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना, मैं तो अब एमएस वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है, अब ये खुल गया, ठीक है। अब क्या करें, ये वाला, ये जो बटन है, ठीक है, इसको बोला जाता है एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, ये मैं नहीं कहता, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद कहता है, ये देखो लिखा है ना ऑफिस बटन ऊपर में, तो मेरे कह देने से कुछ नहीं होता, ठीक, इसमें जो लिखा है मैं वही कह रहा हूं। इसको बोल देते हैं फाइल मेनू कह लो आप, ठीक है, 2003 वाले में दिखाई देता है फाइल मेनू पर, इसमें तो कहीं लिखा नहीं है, तो यहीं से काम कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है, ये इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस बार, ठीक है, ये देखो इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पे लिख रहा है ना कस्टमाइज क्विक एक्सेस बार, तो इस सेक्शन को बोला जाता है क्विक एक्सेस बार। यहाँ पे सेव का बटन है, ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन है, ये सेव का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू हमें दिखाई देगा, ठीक है।
इसमें कुछ और बटन जोड़ना चाहते हो या घटाना चाहते हो तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक कर देना है इस आइकन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे भी सेव दिख रहा है ना, मैं चाहता हूँ कि ना दिखे तो इस पे क्लिक करूंगा तो गायब हो गया, ठीक है। अब दोबारा मैं चाहता हूँ कि ले लाऊं, ठीक है, तो इस पे क्लिक करूंगा सेव पे तो आ जाएगा। पूरा मैं क्लिक कर देंगे तो पूरा दिख जाएगा, जितना जितना मैं क्लिक कर दूंगा सो टोटल यहाँ पे आ जाएगा। आने के लिए तो बहुत कुछ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे दिखाई दिया है, ठीक है, सिर्फ मैं अभी इतने का ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोर कमांड्स ये सब इसको आगे हम पढ़ेंगे, या मैं ना रहा जो रहेगा उससे पूछना, बोलेगा बताओ, ठीक। इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये भी आ जाएगा, जिस पे क्लिक करूंगा वो सारा वहां पे एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लाया क्यों जाता है, क्योंकि सामने रहेगा, उस पे क्लिक कर देंगे और तुरंत हमारा काम हो जाएगा, इसलिए वहां पे लाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, आगे चले। मैं चाहता हूं कि ये क्विक एक्सेस बार यहाँ पे आ जाए, कैसे लाऊंगा, यहाँ पे आऊंगा और इस पे ये वाला जो है ना इस पे कर दूंगा क्लिक, ये आ गया नीचे, और फिर इसी पे क्लिक करूंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा तो चला जाएगा ऊपर, या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा, ये गायब क्यों हो गया, मैं किसी और पे क्लिक कर दूंगा, ये इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऊपर चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। टाइटल बार, टाइटल बार किसको कहा जाता है, ये यहाँ पे जो नाम लिख रहा है ना, आप जो भी सॉफ्टवेयर खोलो, ठीक है, जहां पे सॉफ्टवेयर का नाम दिखाई देता है वो टाइटल बार कहलाता है। एमएस वर्ड में यहाँ पे दिख रहा है, बाकी का कॉर्नर में दिखता है यहाँ पे, तो ये कहलाएगा टाइटल बार, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये सब मेन्यूज है, मेन्यू बार, ठीक है। अब ये टैब की तरह खुल रहा है तो लोग कह देते हैं कि ये टैब भी है, ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, कुछ भी कह लो, ठीक है, आपका पर्सनल मर्जी है जी, कुछ कह लो, ठीक है। और ये सब जो है कमांड्स हैं, ठीक है, जैसे इंसर्ट पे क्लिक किया ये सब आइकन दिख रहा है ना, ये सब कमांड है। कमांड माने क्या, कमांड मतलब निर्देश, निर्देश को ही कंप्यूटर के भाषा में कमांड कहा जाता है, ठीक है। कमांड सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, मैं भी सुना था, मुझे भी काफी भारी भरकम लगा था, हम तो 10 दिन तक समझ ही नहीं पाए थे कि कमांड का होता है, ठीक है। बाद में हमको समझ में आया कि हिंदी में निर्देश कहा जाता है, तब तसल्ली मिला, ठीक है। अब इस पे होम पे मैं क्लिक किया हूं, अब इस पे डबल क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा सारा कमांड। आएगा कैसे, इस पे क्लिक करूंगा थोड़े देर के लिए दिखाई देगा, फिर कहीं चला जाऊंगा तो हट जाएगा, ठीक है। फिर इस पे आया, डबल क्लिक किया तो फिर से ये शो होने लगा, वैसे ही इंसर्ट पे आऊंगा, डबल क्लिक करूंगा तो हाइड होगा, डबल क्लिक करूंगा तो शो होगा, ठीक है। तो किसी भी कमांड्स पे डबल क्लिक करूंगा तो शो होगा और हाइड होगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट बटन भी है, बटन कंट्रोल प्लस F1 दबाओगे तो ये हाइड होगा और शो होगा, ठीक। शॉर्टकट बटन आप सबको मिल जाएगा, और नहीं आप चाहते हैं तो कॉपी में लिखते जाइए, शॉर्टकट बटन आपके जीवन को आसान बना देता है, ठीक भाई। शॉर्टकट बटन यूज करो तो सामने वाला सोचता है कि थोड़ा ज्यादा ज्ञानी है ये, ठीक है। माउस से काम करोगे ना तो लोग भाव कम देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट बटन से काम करो तो लोग भाव ज्यादा देते हैं, ज्यादा भाव मिलता है, ठीक है। बोलते हैं ज्यादा ज्ञानी है, तो आप चाहो तो शॉर्टकट बटन का इस्तेमाल जितना चाहे कर लो, आपका जीवन आसान हो जाएगा, ठीक। आगे चलें जी, ठीक है। इधर एक छोटा सा आइकन दिख रहा है ना, ये है हेल्प का आइकन, इस पे क्लिक करोगे तो ये हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे मैं इस पे क्लिक कर दिया, अब ये हेल्प करने के लिए आ गया, मैं बोलता हूँ भाई बता दे सेव कैसे किया जाता है एमएस वर्ड को, तो लिख दिया सेव, क्लिक कर दूंगा तो ये देखो बोल रहा है सेव फाइल, सेव है, जिस पे क्लिक किया तो सेव है के बारे में लिख जाए, लिख बता रहा है पूरा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से चाहो तो आप हेल्प ले लो, ठीक है, ये डिलीट का है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कुछ होगा, अब हमको अंग्रेजी आता नहीं है तो हम इसीलिए सेव कर दिया, नहीं तो